अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आज हम बना रहे हैं खीर। हम उसे कहते हैं खीरज। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लें। चावल को हमने धो के भिगो दिया था और इसको धोकर भिगोकर इसको सुखा दिया था, बिल्कुल खुश्क कर लिया था इसे। और इसका हम लोग एक मिक्सचर बनाएंगे, देखें। उसके लिए हमने लिया है चीनी, इसमें चावल भी सूखे हुए रखे हुए हैं, और बादाम, पिस्ता और चंद इलायची के दाने, वो सब डाल के हम लोग उसको मिक्सी में पीस लेंगे दरदरा सा। जैसे खीर मिक्स का पैकेट मिलता है ये इसी तरह बिल्कुल बन जाता है। इसको देखें, हमने पीस लिया है ये अब हम रख रहे हैं एक तरफ। और हमने लिया है साबूदाना। साबूदाने के हमने 2 चम्मच इसको भिगो के रख दिया है, ये भी खीर में जाएगा। और अब हम दूध ले रहे हैं, दूध में 2 किलो दूध लिया है, इसे हमने सिल्वर की पतीली में डाला है ताकि इसमें जल्दी जलता नहीं है। सिल्वर की पतीली में स्टील में जल्दी लग जाता है। और अब इसे हम लोग धीमी आंच पे पकाएंगे, दूध को गर्म करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। और जैसे इसकी मलाई बनती है उसको एक तरफ करते जाएँ, इसे खोए का लुक देता है खीर में। ये जैसे मलाई बन रही है हमें इसे एक तरफ करना है, हटा हटा के। ये देखें आप इसको बिल्कुल एक तरफ करते रहें ताकि इससे जो खीर में जो एक खोए का लुक आता है, मुंह में आता है जो दाना दाना, बहुत मज़े का लगता है। इसी तरीके से हमें ये दूध को पका के, 1 किलो के दूध को हमको 1.5 किलो से भी कम हो जाएगा तब हम इसमें ये खीर मिक्स डाल रहे हैं। ये साबूदाने भी डाल देंगे इसमें। और अब इसको अच्छे से हिलाना है क्योंकि चावल भी पीसे हुए हैं तो जल्दी लगने का डर होता है, और कच्चे चावल हैं तो इसको हिलाते रहें और इसको इतना पकाएं कि ये चावल का दाना भी गल जाएगा, चीनी वगैरह हल हो जाएगी और इसका कलर बिल्कुल ब्राउन, लाइट ब्राउन सा हो जाता है। जैसे खीर जो कटोरियों में मिलती है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ये देखें काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो रहा है, अभी गाढ़ा हुआ नहीं है, अभी और दूध कम होगा और ये और ज़्यादा गाढ़ा होगा। ये देखें बहुत कम हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत मज़े की बनती है। ये देखें काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है खीर। इसे हिलाते रहना है वरना ये बहुत जल्द लग जाती है इसे। अब हम इसे देखें डिश आउट करेंगे। काफ़ी हद तक ये पक चुकी है, अब इसे ज़्यादा पकाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 किलो दूध से कम 1.5 किलो या 1 किलो के करीब आ चुकी है। इसे हम डिश आउट कर रहे हैं मिट्टी के कुंडे में और इसे गार्निश करेंगे बादाम और पिस्तों से। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है, आप भी बनाइएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि कैसी बनी खीर। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आपको पहुंच जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल को देखने के लिए। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।